सबसे पहला काम बताए क्या करना, तो आप इनको खाना खिलाना, ये भूखे हैं। एक मिनट सुनने दो, छोड़। ये क्या कैसी आवाज निकाल रहे यार ये। ओ भाई साहब, वेलकम टू मिनी जू। 10, 11, 12 ये बिल्कुल गंजे हैं, एक भी इनका जो है ना बाल नहीं है। ये देखें इनकी शक्ल भी बहुत ही खौफनाक है, डायनासोर के बच्चे नहीं होते जैसे, तो आप वैसे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब, ठीक हैं? तो यार पता है आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाने वाले हैं बर्ड मार्केट में। और मैंने चितन को बोला है कि भाई मेरे जहन में कुछ बर्ड्स आए हुए हैं, सीजन है, अब हमें वो बर्ड्स मिल जाएंगे, मार्केट चलो। तो चितन लगा हुआ है काम में। चितन भाई बस कर दो यार, भाई कर लेंगे ना, तुम्हें काफी टाइम से कह रहा हूँ मैं यार। ये हो गया, बस थोड़ा सा निकालने हैं ईंटें। लेकिन ये निकलवा क्यों रहे हो चितन तुम? डिजाइन तो यहाँ तक है फाउंटेन का ना, इसको बड़ा करना है, अच्छा सा बनाना है अभी ना, ये ऐसे 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 पूरा फैल जाएगा फाउंटेन। लेकिन अब काम रोको, तुम आओ चले मार्केट चलना है। क्या लेना, क्या यार मैंने सोचा है कि हम लेते हैं छोटे छोटे पैरेट्स, जैसे लास्ट ईयर नहीं लिए थे हमने, वो लेते हैं और वो पालते हैं। सीजन भी है, मौसम भी अच्छा है, ज्यादा सर्दी भी नहीं है। चलो चलते हैं, ढूंढते हैं, अगर मिल जाते हैं तो फिर हम ले आते हैं। किसी को नहीं, अपने पास ही, किसी को भी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा, एक भी किसी को नहीं, किसी को भी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं देना। तो खैर हमारे फाउंटेन का काम तो स्टार्ट हो गया, अच्छे से ढांचा बनना शुरू हो गया है। पहले ढांचा बनेगा, उसके बाद उसकी डिजाइनिंग होगी, फिर कलर होगा, फिर उसके बाद पानी डालेंगे, फिर नहाएंगे। मैं दिखा दूं? नहीं, डिजाइन नहीं दिखाना ये तुम। ये नहीं, थोड़ा सा बस, यहाँ काफी है, बस बस बस। यार थोड़ा सा बन जाए फिर आपको दिखा देंगे, थोड़ा ढांचा तो तैयार हो जाए फिर आपको दिखा देंगे कि हम कैसा बनवा रहे हैं। बस यार थोड़ा सा सब्र करें, यहाँ पर बहुत चीजें बनने वाली है। आप काफी भाई मुझे कहते हैं बार बार, भाई जल्दी करो जल्दी करो, इंशाल्लाह यार बहुत जल्द बन जाएगा हमारे फाउंटेन, हमारे एनिमल्स के घर, यहाँ पर प्यारे प्यारे एनिमल्स आएंगे। मेरा जो ख्वाब था ना वो पूरा हो जाएगा हमारा, भाई ये मिनी जो बन रहा है ना, यहाँ पर काफी एनिमल्स आने वाले हैं। तो अभी चलो तुम मार्केट चलो, देर हो रही है यार, कर लेते हैं काम। ओके ओके। और एनिमल इस दफा बहुत ही प्यारे प्यारे होंगे, न्यू एनिमल होंगे जो हमने पहले कभी भी नहीं लिए। तो यार अब सीधा जा रहे हैं मार्केट, बस दुआ यही कर रहा हूँ मैं कि मुझे पैरेट्स मिल जाएं जो लास्ट ईयर हमने नहीं लिए थे। पैरेट्स के बच्चे? हाँ पैरेट्स के बच्चे दोस्तों, पैरेट्स नहीं लेने, बड़े वाले छोटे लेने, उनको पालेंगे हम जैसे पिछले साल पाले थे और हमने बांट दिए थे ज्यादातर। सिद्धांत भाई इस साल किसी को नहीं देने, ठीक है, सारे के सारे खुद पालने हैं। ओके, एक भी किसी को नहीं। हाँ सही है। यार हम बर्ड मार्केट पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि हमें पैरेट्स के बच्चे मिलते हैं कि नहीं मिलते। यार कब से ढूंढ रहे हैं, मैं तो गला खुश्क हो गया यार। वाओ ये सारे वाइट हैं तीनों? नहीं ये वाला वाइट है, ये ग्रीन है। अच्छा ये ग्रीन है, ये वाले अच्छा, ये अच्छा लग रहा है मुझे, फिर ये ले लेते हैं फिर। यार ये तो लेना ही लेना है, बहुत प्यारा यार ये तो। एक ये ले लेते हैं, सही है। हाँ। दो चार ये ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। दोबारा बोला, दो चार? हाँ ज्यादा लेने हैं यार, कितना टाइम बाद ले रहे हैं भाई। इसका रेट इनसे चार गुना ज्यादा होता है भाई। कम से कम टोटल जो है ना हमने 10 से 12 लेने हर हाल में, जो भी हो जाए। इधर तो है कुछ पाला हुआ है यार। सितैन कह रहे हैं ज्यादा पैरेट्स के बच्चे लेने हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये ले लेते हैं और दो चार ये वाले लेते हैं भाई, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं ये सारे के सारे। लेके चलते हैं, निकलते हैं, ज्यादा हो जाएंगे। मैं यार, बिल तो पूछो, पैसे दे के आ जाना, मैं जा रहा हूँ। बिल तो पूछो, बात सुनो, नहीं करते यार। तुम्हारा काम है बिल वाला, पागल बन गए हो यार तुम। यार ये कितने का है ये वाला? हाँ 15,000 और ये वाला एक? ये वाला एक 4,000। अब हिसाब लगाओ 50-60 हज़ार के तो ये तोते बन जाएंगे। तो भाई ने दोस्तों इस वाइट पैरेट का रेट बताया है 15,000 रुपये, और ये वाला जो ग्रीन पैरेट है ना ये भाई ने बताया है 4,000 का एक। तो यार हम क्या करते हैं कि सारे के सारे ले लेते हैं। तैने भाई ये बोले, मेरे माइंड में भी था कि हम ज्यादा से ज्यादा लेंगे, तुम ये सारे ले लेते हैं भाई, ठीक है? डन, ओके डन, जाऊं अब आ जाना। हाँ जाओ जाओ जाओ, मैं पैसे दे दूं, इकट्ठे चलते हैं। तो यहाँ पर ना हमारे पैरेट्स यार पैक हो रहे हैं, पैरेट्स के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छे लगे हैं ये वाले, तो आप दोनों ही अच्छे हैं, व्हाइट वाला भी अच्छा है, ग्रीन वाला भी अच्छा है, ये सही किया हमने। तो यार पेरेंट्स के बच्चे हमने ले लिए हैं, अब ये सीधा जाएंगे मिनी जू में और इनका घर बनाते हैं, इनको घर में रखते हैं, देखते हैं कौन सी जगह पे, इनको भूख भी लगी होगी, खाना भी खिलाते हैं। सबसे पहला काम बताए क्या करना, तो आप क्या करना, इनको खाना खिलाना, ये भूखे हैं। अभी इनको खाना नहीं खिलाना, इनको खाना देना शाम में, शाम में शाम होता है ना। अच्छा दोपहर की डाइट इनको मिल गई है, शाम की रहती है। अच्छा ये यहाँ पे रख दो, ये भी उठा लो। हाँ जी रख दो रख दो रख दो रख दो। तो यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मेरे पास आए हैं 12 तोते ग्रीन वाले और एक तोता आया है व्हाइट वाला।
जो कि मैंने इनको अब पालने हैं और इनको बड़ा करना है और इनको फ्लाई भी सिखानी है भाई। सितैन सोच लो तुम, प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। ये हमारे बच्चों की तरह होंगे, इनको ऐसे पालेंगे बच्चों की तरह, ठीक है? हाँ ना यार, हाँ देखो तो कितना क्यूट है। अभी यार चलो, अच्छा घर जाके देखेंगे। ओके भाई, मिलते हैं मिनी जू में। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम घर पहुंच चुके हैं। हैं? हम चाचू पैरेट्स लेने गए थे, बहुत प्यारे प्यारे पैरेट्स लेके आए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो जैक विजी की तरह नहीं है, लेकिन ये ग्रीन वाले हैं, बहुत प्यारे हैं। तो यार अभी हम क्या करें, लेकिन पैरेट्स को उठाते हैं और लेके जाते हैं, इनको खाना छाना खिलाते हैं। देख रहे हो ये कैसी आवाजें कर रहे हैं, क्या हो गया? तो भूख लगी है इस वजह से शोर करते हैं जैसे बच्चे। उनको हिलाया है ना मैंने, डिस्टर्ब हो गए बेचारे। चलो अच्छा चलते हैं। हाँ जी चलो देते हैं। यार देख रहे हो शोर, देख रहे हो इनका? हाँ भैया, हाँ हाँ, क्या हो गया? एक मिनट एक मिनट सुनने दो शोर। ओहो ये क्या, कैसी आवाजें निकाल रहे हैं यार ये? वो देखो, निकालो निकालो इनको बाहर। ओ भाई साहब, वेलकम टू मिनी ज़ू। जैसे बिजली की तारें नहीं टकराती हैं आपस में। तो अब बारी दोस्तों इनको निकालने की। और ये देखें माशाल्लाह। सितैन भाई अब कर लेते हैं हम काउंट के हमारे पास कितना है टोटल। ओके हाँ कर लो। तो पहले सारे एक में रख लेता हूँ, उसके बाद फिर काउंट करके रखते हैं। ओके चलो भाई, जा भाई इधर आ जाओ, काउंट कर करके नहीं इधर डालते जाओ। हाँ, हाँ, करते ठीक है यहाँ पर। चलो जी चलो भाई, पहला एक दो चार चार छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह ये बारह और ये वाला यूनिक हमारा तेरह। तो यार मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे पास फिर से रिंगनेक पैरेट आ गए हैं और इनको हम अब पालेंगे इंशाल्लाह, इनको हम बड़ा करेंगे और हम किसी को नहीं देंगे भाई। ये तो क्या होता था जो हमने पहले नहीं लिए थे, वो जो लोग देखते थे ना वो कहते भाई आपके पास इतना ज्यादा है हमें दे दे, हमारे फ्रेंड्स हमारे जानने वाले जो भी आते था वो कहते था मुझे दे दो मुझे दे दो। कुछ तो दो चार मैंने आपको बताया भी नहीं था, मैंने दे दिए थे उनको। तो अब मैं किसी को नहीं लूंगा भाई, आप सुन ले सारे, मैं किसी को नहीं लूंगा। हाँ बस सही है। तो भी दोस्तों हम छत पर जा रहे हैं अपने पैरेट्स को लेकर और इनका वहां पर खाना बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं और एक साथ मिलके इनको खिलाएंगे। चलो भाई। तो भी हम आए हैं किचन में इनका बनाने के लिए खाना। सबसे पहले पानी भाई डाल देंगे इसके अंदर। हाँ डाल दो भाई, कितना डालना है कोई है अंदाजा? सारा कुछ पूछ के आया हो ना, बस पानी में डाल लो और उसके बाद मुझे बता देना जितनी डालनी हो खुराक। डालनी अभी तुम साइड पे हो जाओ, मैं बता दूँ सारा तरीका। हाँ। तो पानी को हम फुल गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम ना ये वाली फीड डाल देंगे और फीड को अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि वो फुल मेल्ट हो जाए, क्रीमी शेप में आ जाए, फिर हम उन्हें पैरेट्स को देंगे। ठीक है ओके ओके, जल्दी से भाई, इनसे भूख से रहा नहीं जा रहा, बोल ही जा रहे हैं कब से, शुर शुर कर रहे हैं ये देखें। तो भाई हमारे तोतों का खाना बन चुका है, तो अभी इसको लेके नहीं बना, अभी नहीं बना यार, क्यों बस कर दो यार, बन गया है वो थोड़े थोड़े से यार, वो देखो टुकड़े हैं ना ये फिर इंजेक्शन में फंसेंगे, फिर नहीं हो सकेगा ना। अच्छा अच्छा, तो यार इनका खाना बस बन ही गया है, लेके मैं इनको लेके जाता हूँ उधर, तुम खाना लेके आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। चलो तो खाना दोस्तों रेडी हो चुका है और अब हम इनको देने वाले हैं शाम की डाइट। ये हाँ हाँ खा रहे, खा रेसिपी। वाओ हाथ हटाना, ये देखिए यार कितना क्यूट लग रहा है खाना खाते हुए, इसको आदत है ना, बिल्कुल प्रोफेशनल होता है भाई, खाना खाने के माहिर होते हैं ये लोग, और कोई काम नहीं आता इनको। तो यार यहाँ पर सबसे जो छोटे तोते हैं ना वो ये दो हैं, ये देखो इनके बिल्कुल भी पर नहीं आया, एक पर भी नहीं आया, ये बिल्कुल गंजे हैं, एक भी इनका जो है ना बाल नहीं है, ये देखें इनकी शक्ल भी बहुत ही खौफनाक है, डायनासोर के बच्चे नहीं होते जैसे दुराब, वैसे लग रहे हैं ये। तो यार ठंड लग जाएगी उनको। अच्छा चलो जल्दी से सबको खाना खिलाओ। तो आपने एक को तो खाना खिला दिया है भाई, तीन को खिला दिए, तीन को खिला दिए। चलो इनको भी खिला दो जल्दी से यार, भूखे हैं बेचारे। ये देखो गुड 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 गुड। तो यार अब सबसे छोटे तोते की बारी है, ये हमारे इस पैरेट्स गैंग में सबसे छोटा है भाई, इसको अब देने वाला हूँ मैं। खोलो भाई मुंह खोलो, शाबाश। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, वो ये तो सबसे चला के पीने ऐसे ऐसे कर रहा था मुंह। हाँ ना कालो कालो।
खोलो जा रहा है, अब जा रहा है सिप्टन खा रहे खा रहे। हाँ ये पेट भी मोटा हो रहा है नीचे से, ये देखो भाई हो गया ओके, पूरा डायनासोर है यार ये तो। तो यार हमने तोतों को खुराक खिला दी, अब हम इनको रखते हैं एक रूम में ताकि इनको ठंड ना लगे और साथ में हीटर भी चला देंगे। आ जाओ सिप्टन, चलो आ जाओ शाबाश। ग्रे ये देखो तुम्हारे दोस्त, हाँ देख लो भाई ठीक है, ये इसके बच्चे हैं। जब बड़े हो जाएंगे ना तुम्हारे साथ इनको बंद करेंगे, इनको मारना नहीं चाहिए, छोटे छोटे हैं ये तुम्हारे भाई हैं। आज है इसके बाद छोड़ कौन रहा है यार। तो आपके काम देखे कह रहे हैं मेरी जिम में रखते हैं यार इन तोतों को, तो आप भी नहीं सही रह पाएंगे, यहाँ पे शोर होता है ठक ठक, सारे धक धक की आवाजें आएंगी। आरजी रख रहा हूँ मैं सही है हाँ। इनके रूम की सफाई करते हैं जहाँ पर हमारा टाइगर होता था हाँ। वहाँ पर इनको शिफ्ट करेंगे, साथ में हीटर भी चला देंगे, उस रूम की हालत बहुत खराब है। अभी हीटर चला दूं? हाँ अभी हीटर चला देते हैं। तो अभी यार हम गुजारा कर रहे हैं इनको, दो एक दो घंटे के लिए यहाँ पर रखते हैं, जब तक वहाँ की सफाई हम कर लेते हैं, सफाई करने के बाद इनको वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरह से जुगाड़ किया है, सामने हीटर रख दिया मैंने और यहाँ पर हमारे पैरेट्स हैं, इनको गर्म हवा लग रही है, देख रहे हैं दोस्तों डायरेक्ट ना गर्म हवा लग रही है, ज़्यादा टेम्परेचर मैंने नहीं किया ताकि ये बर्दाश्त भी कर पाएँ। और कल हम इनका ना रूम की सफाई करेंगे, कोशिश करेंगे आज रात ही हो जाए, फिर इनको ना हम सुबह वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, हीटर भी वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है भाई टेंशन नहीं लेनी, आपको मैं आऊँगा 10 बजे रात की खुराक दे दूँगा, और अभी तो शाम की दी थी, रात की खुराक अभी बाकी है, अभी तुम लोग रेस्ट करो, लाइट मैं ऑफ कर देता हूँ, इनके पास आएंगे दोस्तों रात को 10 बजे। तो यार पैरेट से फ्री होके अब मैं आ रहा हूँ अपने मिनी रूम में, और हम दोपहर के 12 बजे निकले थे घर से और अब शाम के 6 बज गए हैं, मतलब सारा दिन मार्केट गुजर गया, यहाँ पर यार हम टाइम ही नहीं दे सके। यहाँ पर मेरे ख्याल में वहाब भैया ने घास डाल दिया होगा बकरियों को, मैंने बोल तो दिया था हाँ डाला हुआ घास, यार शाम का घास इनको मिल गया है, रात को मैं आऊंगा थोड़ा सा घास और दे दूंगा, क्योंकि रात को भी हम थोड़ा सा घास इनको डाल देते हैं। और यहाँ पर खरगोशों वगैरह को भी खाना मिल गया, अभी तक कैसी का खाना नहीं आया यार, घास इसका नहीं आया, इसको मेरे ख्याल में जौ वगैरह डाली होगी भैया ने, जौ नहीं डाली तूड़ी डाली हुई है सिर्फ, कैसी जौ नहीं मिली तुम्हें क्या, तूड़ी दी है सिर्फ भैया ने, चलो मैं तुम्हें जौ दे देता हूँ ठीक है। तो यार कैसी को जौ नहीं मिली, इसको जौ में दे दे तो, क्योंकि इसको हम अनाज भी देते हैं ना कैसी, ताकि सेहतमंद रहे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में दयात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। आ रहा हूँ मैं जौ लेके आ रहा हूँ, वेट करो थोड़ा सा।